सबको मेरा नमस्कार। पूरी दुनिया से कोरोना को लेके जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं। कई देश ऐसे हैं, बड़े बड़े विकसित देश हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हज़ारों हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। हज़ारों लोग, अब तो लाखों में संख्या पहुँचती जा रही है, इतने लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं और पूरे के पूरे शहर के शहर इस टाइम इनकी चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के अंदर एक अच्छी बात यह है कि इस टाइम पूरा देश अपना एक साथ इकट्ठा होकर एक टीम की तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सारी सरकारें, चाहे कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके एक टीम की तरह इस बीमारी का सामना कर रहे हैं। पूरे देश के लोग इसमें मिलके एक टीम की तरह इसका मुकाबला कर रहे हैं और हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। पता चलता है कि केरला की सरकार ने अपने लोगों के लिए अच्छा कदम उठाया तो उसे हम दिल्ली में करने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कोई अच्छा कदम उठाया या बंगाल की सरकार ने अच्छा कदम उठाया, राजस्थान की सरकार ने अच्छा कदम उठाया या मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई अच्छा कदम उठाया, तो एक दूसरे से देख रहे हैं और सब लोग इस टाइम लगे हुए हैं कि किस तरह से भारतवर्ष को, अपने को, भारत को कोरोना से बचाना है। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो देश के अलग अलग भागों में कई इलाकों के अंदर लोग अपना शहर छोड़ छोड़ के गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने दिल्ली में भी देखा पिछले 2 दिन से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठे हो गए। इसमें दिल्ली से आए हुए लोग थे, उधर हरियाणा से आए हुए बहुत सारे लोग थे, इधर आसपास के राज्यों से आए हुए लोग थे जो सारे दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए और वो अपने अपने उत्तर प्रदेश के गांव में जाना चाहते थे। तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पे केरला में कई हजार लोग अपने अपने शहर छोड़ के गांव की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कई हजार लोग अपने शहर छोड़ के अपने अपने गांव में, कई लोग दूसरे राज्यों के, अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों के अंदर जा रहे हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के ऊपर कई लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने राज्य में जाना चाहते हैं। उड़ीसा में कई हजार लोग इकट्ठे हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश में, गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड में कई लोग अपने अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा के, पंजाब के लोग, जैसा मैंने बताया, कई लोग सीधे अपने गाँव जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली के वाया दिल्ली जा रहे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर मैंने तस्वीरें देखी हैं, अभी कई वीडियो देखे हैं, कई हजार लोग इकट्ठे हो गए हैं। जो राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो बहुत सारे लोग अपने अपने गांव, अपना अपना शहर छोड़ के, जो लोग अपने गांव से शहरों में गए थे, दूसरे राज्यों में गए थे, अलग अलग राज्यों से, कोई बॉम्बे चला गया था, कोई चेन्नई चला गया था, कोई हैदराबाद चला गया था, कोई दिल्ली आ गया था काम करने के लिए अलग राज्यों से, अब कोरोना का जब से लॉकडाउन हुआ वो अपने अपने गांव में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं, उन सबसे हाथ जोड़ के मैं अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का लॉकडाउन ऐलान किया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, जो जहां है वो वहीं रहे, और उन्होंने इस लाइन को कई बार रिपीट किया है। मेरे हिसाब से कोरोना के लॉकडाउन का ये मंत्र है, जो जहां है वो वहीं रहे। अगर हम इसको लागू नहीं करेंगे कि जो जहां है वो वहीं रहे, तो ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता, हम कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, पूरा देश फेल हो जाएगा। कल जब मैं तस्वीरें देख रहा था, कई हजार लोग एक साथ जब इकट्ठे हो गए, मैं जो जो लोग अपना शहर छोड़ के गांव की तरफ जा रहे हैं, उनसे मैं सीधे पूछना चाहता हूं, आप भीड़ में चले गए,
भीड़ में मान लो आप जिसके बगल में खड़े थे उसको करोना था, आपको भी करोना हो जाएगा। आपको अपनी जान प्यारी है ना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, अपनी जान तो प्यारी है, अपने घर के लोगों की जान तो प्यारी है। इतनी भीड़ के अंदर जब आप जा रहे हो, मतलब ये तो एक तरह से मतलब खाई में कूदने वाली बात है। इतने हजार लोगों के अंदर, इतने इतनी भीड़ के अंदर अगर दो चार लोगों को भी करोना है, वो सबको फैला देंगे और उससे आप भी इफेक्ट हो जाओगे। और अगर आपको भी हो गया, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन आपका पूरा परिवार तो मुसीबत में आ जाएगा। और उसके बाद आप उस कोरोना को लेकर अपने गांव में पहुंचोगे। अभी तक बहुत सारे गांव अछूते हैं कोरोना से, कोरोना अभी तक गांव में नहीं पहुंचा, लेकिन जब आप ले गांव में जाओगे तो गांव पूरे गांव को कोरोना हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है, जब पूरा देश इस टाइम इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, पूरा देश इस टाइम कोरोना को लड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लीज अपने अपने जो जहां है वो वहीं रहे। प्रधानमंत्री जी ने ये जो कहा है इसको सब लोग फॉलो करें, इसका पालन करें, तभी हमारी सबकी कोरोना से लड़ाई, अगर हमारे देश में ये बुरी तरह से फैल गया, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर आपका मुख्यमंत्री होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, आपका भाई होने के नाते, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ, हमने आपके लिए सारे इंतजाम किए हैं, हमने आपके लिए रहने का इंतजाम कई सारे स्कूलों के अंदर गद्दे बिछवा दिए, क्लासरूम खाली करवा दिए, वहां पे रहने का इंतजाम किया है। इतने लोगों के लिए अभी खाली पड़े हैं सारे, चाहे जितने हजार लोग आ जाएं, हम उनके रहने का और इंतजाम कर, स्टेडियम खाली करवा दिया हमने, तैयारी है हमारी, अगर कई हजार लोग आ गए हम स्टेडियम के अंदर उनके रहने का इंतजाम कर देंगे। कई स्कूल खाली करवा दिया बॉर्डर के ऊपर, जहां कल बॉर्डर के पे लोग थे उनको हमने कितनी बार हाथ जोड़ के कहा जी यहाँ पे 3 स्कूल हमने खाली करवा दिए बॉर्डर के ऊपर, आ जाओ यहाँ पे। आपके लिए स्कूल खाली करवा दिया, आपके लिए रहने का इंतजाम कर दिया, आपके लिए खाने का इंतजाम कर दिया। 4 लाख लोगों को दिल्ली सरकार रोज खाना खिला रही है, लंच भी और डिनर भी, किसी को कमी नहीं होने दे रही। मुझे नहीं लगता इतने बड़े स्तर के ऊपर कहीं भी इतना कभी खाना खिलाया गया होगा। और मेरी उन सब लोगों से अपील है हाथ जोड़ के, जिनको ऊपर वाले ने थोड़ा जिंदगी में कुछ दिया है, पैसा दिया है, अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अगर आप इंडस्ट्री चलाते हो, उद्योग चलाते हो, उद्योगपति हो, आपके पास पैसा होगा, यही टाइम है जब पैसा काम आता है, ऊपर वाले ने इसी टाइम के लिए आपको पैसा दिया था। आपके पास जितनी लेबर है, आपके जितने कर्मचारी हैं, एक चीज उनको तनख्वाह तो पूरी देना ही देना, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन एक चीज सोच लेना, किसी को भूखे मत मरने देना। अपनी लेबर को आपकी जिम्मेदारी है, सारे ठेकेदारों को भी मैं बोल रहा हूँ, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बोल रहा हूँ, सारे बिजनेसमैन को बोल रहा हूँ, आपके जितने कर्मचारी हैं उनको रोज, अगर बहुत ज्यादा गरीब है उनको आप अपने यहाँ, चाहे अपनी कंपनी में, चाहे दफ्तर में, कहीं भी आप उनको बुला के खाने का इंतजाम जरूर करना, आपकी जिम्मेदारी है, किसी को भूखा मत मरने देना। दूसरी चीज, मकान मालिकों को मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि अगर आप मकान मालिक हैं, आपका किराएदार गरीब है, वो किराया नहीं दे पा रहा, उसका किराया 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना, अभी उससे किराया मत लेना। आज मैं आपसे सारे दिल्ली के मकान मालिकों से अपील कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को अपना बेटा मानते हो, अगर आप मेरे को अपना भाई मानते हो, तो आज जितने मकान मालिक हैं सब लोग अपने अपने किराएदारों से बात करना और उनको कहना कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको किराया देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। सब लोग जाके आज उनको आश्वासन देना। कई कहीं कहीं से ये खबर आ रही है कि कुछ मकान मालिक उनको जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनसे बिल्कुल जबरदस्ती मत करना। आपका किराया आप पोस्टपोन कर दो, महीने 2 महीने के बाद जब ये कोरोना से, मान लो जब ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको, अगर कोई किराएदार गरीबी की वजह से आपका किराया नहीं दे पा रहा, मैं आपको आश्वासन देता हूं सरकार उसका भुगतान करेगी। जितने किराएदार हैं, अगर जो जो किराएदार गरीबी की वजह से
थोड़ा बहुत अपना किराया नहीं दे पाएंगे, उनकी उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी कोई मकान मालिक जबरदस्ती नहीं करेगा, और अगर कोई जबरदस्ती करेगा मकान मालिक, तो फिर सरकार सख्त एक्शन भी लेगी उनके खिलाफ। सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, ये इंसानियत का टाइम है, एक इंसान को इंसान के काम आने का टाइम है। हम पूरी जिंदगी पैसे कमाने में बिता देते हैं, हम पूरी जिंदगी शोहरत कमाने में बिता देते हैं, लेकिन मरने के बाद कुछ काम नहीं आता। मरने के बाद केवल ये काम आता है कि आपने अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए क्या किया, निस्वार्थ भाव से क्या काम किया। ये मौका है, सब लोग एक दूसरे के काम आओ, सब लोग एक दूसरे की मदद करो, किसी को भूखे मत मरने दो, और पूरा देश एकजुट होके हम लोग अपने देश को बचाएं। मैं अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, ये राजनीति करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सारी पार्टियों को इकट्ठा होकर काम करने का टाइम है, चाहे आप बीजेपी से हो, चाहे आप कांग्रेस से हो, चाहे आम आदमी पार्टी से हो, सारी पार्टियों को एकजुट होकर देश को बचाने का टाइम है। कल मैंने देखा किसी दूसरे हमारी विरोधी पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर कुछ गलत आरोप लगा दिए ऐसे ही, तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर हमारे भी कुछ कार्यकर्ता उनके साथ उलझ रहे थे। हमें उलझना नहीं है, जो कोई कुछ कह रहा है कहने दो, हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। दो चीजें हैं, अगर हमें कोई आके हमारे काम में गलती बताता है, कोई कहता है जी यहाँ बिजली नहीं आ रही, उसको बिजली दिलवाएंगे, कोई कहता है जी पानी गंदा आ रहा है, पानी दिलवाएंगे, कोई कहता है जी बीमार हो गया, हम उसकी बीमारी का इलाज करवाएंगे, कोरोना हो गया, कोरोना का इलाज कराएंगे। जो भी काम है जनता के, वो सारे काम आपको करने हैं। लेकिन कोई अगर आपके ऊपर गलत आरोप लगाता है, गाली गलौज करता है, उसकी एक बार सफाई दे दो, बस प्यार से मोहब्बत से हाथ जोड़ के उसको सफाई दे दो, उसे गाली गलौज नहीं करनी और आगे बढ़ जाओ, बस उसके साथ उलझना नहीं है। इस टाइम हमारे सामने, पूरे देश के सामने बस एक ही चीज है, अर्जुन की आंख की तरह देश को बचाना है। इटली का देख रहे हैं क्या बुरा हाल हो गया, अमेरिका का देख रहे हैं क्या बुरा हाल हो गया, लंदन का देख रहे हैं क्या बुरा हाल हो गया। हमें अपने भारत को उस दशा में नहीं लेके जाना, किसी भी हालत में अपने को सबको मिलकर अपने देश को बचाना है, हर हालत में अपने देश को। बस एक यही मकसद इस टाइम होना चाहिए सबका, कोई राजनीति नहीं करनी। आम आदमी पार्टी वालों को खास तौर से कह रहा हूं, अगर कोई दूसरा गाली दे छोड़ दो, इग्नोर कर दो, उसका जवाब ही नहीं देना, किसी गाली का जवाब नहीं देता, किसी का नहीं उलझना, सबको बस एक ही चीज सामने रखनी है, लोगों की सेवा करनी है, अपने देश को बचाना है। एक छोटी सी चीज, हमने खाने का तो काफी इंतजाम कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक वो लोग हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं, 7.5 किलो प्रति व्यक्ति हम लोग फ्री राशन दे रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको पेंशन दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको ना शायद पेंशन मिले ना शायद राशन मिले, उन लोगों को भूखे नहीं छोड़ सकते। उनके लिए हमने जगह जगह खाने का इंतजाम किया है, जैसे मैंने कहा 4 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे जिनको राशन मिल रहा है वो लोग भी आके लाइन में लग रहे हैं, जिनको पेंशन मिल गई वो भी आके लाइन में लग रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है, खुद ही जो भी आएगा हम खाना उसको खिलाएंगे, लेकिन खुद ही ये सोचना कि भाई मेरा तो शायद अभी गुजारा चल जाएगा, अब मैं दूसरों को ले लेने देता हूँ खाना, तो ये खुद ही ये करने की ज़रूरत है। और एक छोटी सी व्यक्तिगत चीज़, अब 21 दिन का लॉकडाउन है, हम सबको अपने अपने घर में रहना है। सबसे बड़ी इस टाइम देशभक्ति यही है, अगर आप सच्चे देशभक्त हो, आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति अपने घर पे रहो। तो घर पे रह के अगर आपको अच्छा लगे, गीता के 18 अध्याय हैं, 18 दिन लॉकडाउन के बचे हैं, कल से हमने अपने घर में, मेरी धर्मपत्नी ने गीता का पाठ शुरू किया है, हम सारा परिवार बैठते हैं और एक दिन में एक अध्याय पढ़ते हैं, आधा घंटा लगता है, तो 18 दिन बचे हैं। अगर आप चाहो, अगर आपका मन करे, आप भी इसका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने घर में गीता का पाठ कर सकते हैं। शुक्रिया। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।